हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना। चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों की मन में दबाया हुआ कुछ क्वेश्चंस जो कि आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं, तो उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस को मैं उठा के उसका आंसर कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले जिसका कॉमेंट पढ़ने वाला हूँ वो है हितैषी आहूजा के कॉमेंट। तो उनके कॉमेंट में कुछ खास नहीं रहता है, बस वो मेरा सब वीडियो का, हर एक वीडियो का वो मेरा सबसे फर्स्ट व्यूअर रहता है, यानी जिसका कमेंट पढ़ना मेरा जिम्मेदारी है जो कि मुझे पढ़ना ही होगा। तो थैंक यू हितैषी मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरा वीडियो हमेशा सबसे पहले देखने के लिए। ऑलवेज कीप सपोर्टिंग मी जैसा कि अभी तक आप लोग करते आए हैं। नेक्स्ट कॉमेंट किया है रितु खर्ब ने। तो रितु जी कह रहे हैं कि भाई देयर इज बहुत बहुत लोचा है, समझ से बाहर है। हाँ रितु जी, डेफिनेटली ये जो केस है, इस केस में मैं पहले दिन से बताते आ रहा हूं कि सिर्फ लोचा, बहुत बहुत लोचा ही नहीं, इसमें आपका भर भर के लोचा है। इस केस में आप जहां देखेंगे वहां लोचा डाल के रखा है जो कि हम लोगों की समझ से बाहर है। पर चिंता मत करिएगा, चारापुना है जो कि आप लोगों को ये चीज दिखाएगा ढूंढ ढूंढ के कि कहां पे क्या क्या वो लोग दवा के रखे हैं। और डेफिनेटली ये मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं जो कि मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा ही कि कौन सा सच को वो लोग दबाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा नेक्स्ट कमेंट है चेतना परमर की तरफ से। तो चेतना जी पूछ रहे हैं कि एसे सर का क्या कोई बॉडीगार्ड्स नहीं थे, और एसे सर तो एक सुपरस्टार है और ऐसा एक सुपरस्टार का तो डेफिनेटली बॉडीगार्ड होना चाहिए, तो उस टाइम पे बॉडीगार्ड कहां थे? तो चेतना जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट है आपका, ये बहुत ही वैलिड एक पॉइंट है कि बॉडीगार्ड का पॉइंट। तो अगर आप लोग गौर किए हैं तो जब सुशांत को स्ट्रेचर में उठाया जा रहा था तब आप लोग गौर करेंगे तो देख पाएंगे कि स्ट्रेचर से ज्यादा लंबा वो बॉडी था, यानी स्ट्रेचर छोटा पड़ गया था उस बॉडी के सामने, जो कि सुशांत सिंह राजपूत उतना लंबा नहीं था। तो आखिर में वो कौन था, यही शक है, और शक हमेशा बॉडीगार्ड की तरफ ही जाता है कि कहीं ना कहीं शायद बॉडीगार्ड को भी निगल दिया है वो लोगों ने। पर डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग मैं एक अलग सा वीडियो बना रहा हूं जो कि आप लोगों के सामने बहुत जल्दी मैं रखूंगा। मेरा नेक्स्ट कमेंट है ईकेएस की तरफ से। तो ईकेएस पूछना चाह रहे हैं कि कैन देयर बी एनी कनेक्शन बिटवीन एसएसआर एंड रॉ एजेंसीज। तो सर आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन है, पर इसके रिगार्डिंग मेरे पास उतना पोख्ता कोई सबूत नहीं है कि उनके साथ रॉ का कोई संबंध है या फिर नहीं। पर सुशांत सिंह राजपूत जितना इंटेलिजेंट पर्सन है, उनके साथ रॉ का कोई संबंध था या फिर नहीं, तो डेफिनेटली इनका आंसर खोज के और जान के मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो कमेंट है वो कमेंट है खुशी के तरफ से। तो खुशी कह रहे हैं कि एक अरेस्ट हो जाए तो बाकी सारे पकड़ में आ जाएंगे। एकदम करेक्ट बात। अगर सीबीआई को लगता है कि यह मर्डर है तो फिर कल्प्रिट्स में से किसी एक को अगर वो लोग पकड़ ले तो बाकी का आराम से उन लोगों की ग्रिप में आ जाएगा। पर पता नहीं कि किस लिए सीबीआई अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर जैसे ही एक को अरेस्ट करेंगे बाकी सब के सब सलाखों के पीछे होंगे अगर ये मर्डर केस है तो। तो मेरा नेक्स्ट कमेंट है डॉक्टर नीला कांतन की तरफ से। सर जी, इफ सीबीआई विल से इट्स सुसाइड देन वी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। तो डेफिनेटली 100% अगर सीबीआई इस केस को अगर सुसाइड की रूप देता है, अगर सुसाइड प्रूफ करता है सीबीआई, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक लड़का कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता, जो कि भगवान भी यही कहेगा, तो ये सुसाइड कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे सीबीआई। आइदर वो अलाइव है और ये मर्डर है, दोनों में से एक होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एकदम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जोर जोर से चीख चीख के ये बात कह सकता हूं, इन दोनों में से कुछ एक होगा। अगर सुसाइड प्रूफ होता है तो बाद में देखिएगा कि हम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट कमेंट आया है फारा तारिक के तरफ से। ब्रो, व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया यू फ्रॉम? तो फारा जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा वीडियोस पे आप कमेंट करते हैं और आपका हर एक कमेंट मैं देखता हूं। तो मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूं और मैं एक बंगाली हूं, तो आप लोगों से विनती रहेगा कि कभी कभी मेरा हिंदी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो जिसको आप छोटा भाई या फिर दोस्त समझ के थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा अगर कुछ मैं थोड़ा सा गलत बोल देता हूं हिंदी प्रोनाउंसिएशन में। नेक्स्ट कमेंट आया है एसपी मुंडा की तरफ से। तो वो कह रहे हैं कि सब कातिलों को फांसी होना चाहिए। तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये केस मर्डर प्रूफ हो गया तो फिर कोर्ट की तरफ से 7 साल की, 10 साल की ये सब सजा या फिर उम्र कैद ये सब नहीं चाहिए। डायरेक्टली सबके सबको गले में रस्सी डाल के झुला दो बस,
क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक बंदे को अगर अगर कोई मर्डर करेगा तो फिर उनका सजा वैसा ही होगा। पर इसके रिगार्डिंग अभी बात नहीं करेंगे, पहले देखते हैं कि सीबीआई हम लोगों को क्या शो करता है। मेरा नेक्स्ट कमेंट आया है आरती मनु के तरफ से, दे आर नॉट रियल पुलिस। ऑब्वियसली दे आर नॉट रियल पुलिस, क्योंकि हम लोगों के सामने बहुत सारा ऐसा फुटेज भर भर के है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि चप्पल पहन के वो लोग पुलिसगिरी कर रहा है, कहीं पे दो अलग अलग सा कलर की शूज पहनता हुआ, उसके साथ साथ कुछ पुलिस वाले की फेसबुक प्रोफाइल में तो पुलिस के साथ दूर दूर का कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई पुलिस बन के आ गया है जिसके बारे में मुंबई पुलिस भी नहीं कुछ कह रहे हैं। तो रियल पुलिस कहाँ है, कहीं पे भी रियल पुलिस वगैरह कुछ नहीं था, सबके सब जूनियर एक्टर में भरे पड़े थे उस जगह पर, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लिख लो आप लोग। मेरा नेक्स्ट कमेंट आया है हर्ष कविश कुमार की तरफ से, लेकिन एसएसआर वाज इनोसेंट एंड सराउंडेड बाय फेक रिलेशन एंड पीपल। तो ये जो बात है सर कि अगर आप कामयाबी की तरह बढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपके पीछे ये फेक लोग और ये गिल्टी लोग वगैरह सब कोई हाथ धो के पड़ जाएगा और आपका लेग पुलिंग करता रहेगा और हमेशा चाहेगा कि कैसे आपका ये जो उन्नति है, आपका जो कामयाबी है, इसको कैसे बंद किया जाए और आपको कैसे रोड पे लाया जाए। तो सुशांत सिंह राजपूत भी इसका व्यतिक्रम नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत जब से उन्नति की शिखर की तरफ यात्रा किए थे तब से हर एक कुत्ता जो कि बॉलीवुड में भौंकता है हमेशा और उसका खुद का कोई दम नहीं है, वो उनके पीछे पड़ गया था, बस यही है। और उसके बाद मैं आंसर करूंगा मुझसे सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल के ऊपर और जो सवाल आपके हर एक के मन में है। तो उससे पहले और एक जन को मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, तो गीता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आप बहुत ही मुझे सपोर्ट करते हैं हर एक वीडियो पे, आपका सपोर्ट हमेशा रहता है, तो जिसके कारण ये एक परिवार जैसा हो गया है। बहुत सारे लोगों का मैं यहाँ पे बैठ के आराम से नाम कह दे सकता हूँ जो कि मुझे बेहद सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों को मैं थैंक्स बोल के छोटा नहीं करना चाहता, पर मैं हमेशा यही कहूंगा कि छोटा भाई समाज के हमेशा जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं वैसे आप लोगों का सपोर्ट का हाथ मेरा सर पे रख दीजिएगा। अभी आते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ से, जो कमेंट मुझे कम से कम 200 से 300 जन एक ही कमेंट पूछा है कि क्या आप मानते हैं कि एसएसआर जिंदा है या फिर नहीं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा मानता हूं कि एसएसआर जिंदा है और अगर मुझे पूरा जमाना यह सुन के पागल कहे तो वो भी सही है, पर मेरा जो दिल कह रहा है उसकी आवाज को मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूं और उसको एलाइव मानता हूं। इसीलिए मैं हमेशा हर एक वीडियो हो, हर एक न्यूज हो, हर एक आर्टिकल में मैं वो क्लूज ढूंढता हूं जिसमें कहीं ना कहीं लग सके कि हाँ इस एंगल से वो जिंदा हो सकते हैं, और बाकी का चीज तो समय बता देगा क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो वेट कीजिए, जो सही है वो हम लोगों के सामने आराम से आ जाएगा, शायद कुछ दिन का टाइम लग सकता है, पर पहले तो हम नजर डालेंगे कि सीबीआई कितना दूर तक गया है, उसके बाद से ये जो केस है इस केस को हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इस केस में ऐसा बहुत सारा चीज है। अगर आप गौर करेंगे तो इस केस में सिर्फ हम लोग 20 से 25% जानते हैं, बाकी 75% पूरी की पूरी मिस्ट्री बन के रह गया है। अगर हम सारे एसएसआरियन मिलके अगर ये काम को कंप्लीट करने की उम्मीद लेके अगर काम करेंगे कि चलो क्या हुआ था हम ढूंढेंगे, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। ये केस जो है वो 80 to 85% हम ही सॉल्व कर देंगे अगर हम वो उम्मीद लेके खोजते हैं, पर हम तो ऐसा करेंगे नहीं। हम कहेंगे तुम बहुत बड़े सीआईडी हो गए हो, तुम ये उसके ऊपर कीचड़ उछलेगा, वो उसके ऊपर कीचड़ उछलता है। और अगर कोई ये केस को अपनी तरह से सॉल्व करना चाहता है तो फिर दुनिया उसको पागल कहता है या फिर बेवकूफ कहता है या फिर कहता है कि तुम लोगों की इमोशन लेके खेलते हो। लोग तुमसे रिजल्ट भी मांगेंगे और अगर तुम रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो तो लोग तुमको पागल भी कहेंगे, ये बात तो एकदम सदियों से चलते आ रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मुझे बताइएगा। और भी बहुत सारे कुछ इस केस के साथ रिलेटेड है, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, उसके बाद 12 तारीख का पूरा घटना हो गया, उसके साथ साथ बहुत छोटा छोटा पॉइंट है जो कि हर एक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और सबसे अहम जो वीडियो है कि 13 तारीख फर्ज कहा था, तो जिसके ऊपर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द बात करूंगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन सबको ही खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।